यार भोपाल में कभी इतनी सर्दी नहीं पड़ी। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ रहा है टेम्परेचर का। देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मटेरियल्स पर। वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई बार प्रॉब्लम करता है। आज इसको खत्म करते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या। यहां थोड़ी सी बात मुझे तुमसे करनी पड़ेगी, बूटी देनी पड़ेगी इनफैक्ट तुमको एक। तो चलते हैं अपन बाबा की बूटी सेक्शन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में मेरे पास है आपके लिए वो जो हमने 11th क्लास के पहले यूनिट में पढ़ा था ना। कोई बात नहीं यार, नहीं है याद तो मैं हूं ना याद दिलाने के लिए। देखो फ्रैक्शनल चेंज, मुझे एक्चुअली में फ्रैक्शनल चेंज की बात करनी थी, उसके लिए मैं पहले चेंज की बात करता हूं। चेंज क्या होता है? बाद वाली वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू। सिंपल सा लॉजिक है भाई। मेरा अगर इनिशियली वेट 70 था, अब 75 हो गया, तो कितना चेंज हुआ? 5 केजी का चेंज हुआ। बाद वाला माइनस इनिशियल वाला। वैसे वेट की बातें ज़्यादा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल सब लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस के लिए वर्क करने लगे हैं, एंड दैट इज़ वेरी गुड। यस, तो अगर मैं देखूं तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर मैं करूं तो डेल्टा एक्स मतलब चेंज, अगर मैं इस चेंज को इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर दूं, जो भी मेरी इनिशियल वैल्यू थी, तो ये कहलाता है फ्रैक्शनल चेंज। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऑब्जेक्ट था, उसका वॉल्यूम था पहले 20, बाद में हो गया 30, तो बताइए कितना चेंज हुआ? फ्रैक्शनल चेंज। तो आप बोलेंगे 30 माइनस 20 क्या हुआ? चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू विच इज 20, 50% चेंज हो गया। मतलब 0.5 फ्रैक्शनल चेंज हुआ, और अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बन जाएगा परसेंटेज चेंज। तो बाबा की बूटी सेक्शन में सिर्फ इतना कि किस तरह से हम फ्रैक्शनल चेंज की बात करते हैं। चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू विल गिव यू फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग कि डिफाइन कैसे करें हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को। ये सिंपल सा लॉजिक है। ये बोलता है भाई मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो बताओ रेजिस्टेंस कितने से चेंज होने वाला है, और डेल्टा टी से बढ़ाया तो रेजिस्टेंस इतने से चेंज हो रहा है, तो यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना चेंज होने वाला है। तो देखो मेरे हाथ एक्चुअली कहना चाह रहे थे कुछ फॉर्मूले को, और वो फॉर्मूले यहाँ हैं। देखो टी टेम्परेचर पे आर टी है, 0 डिग्री सेल्सियस पर मेरे पास आर नॉट था, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। इनिशियल क्या था? आर नॉट। बाद वाला क्या है? आर टी। आर टी क्या बता रहा है? टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, और आर नॉट क्या बता रहा है? 0 डिग्री पर मेरा रेजिस्टेंस। इसको हम टी वन और टी टू भी कर सकते हैं कि टी वन पर रेजिस्टेंस ये था आर वन, और टी टू पे आर टू हो गया, तो आर टू माइनस आर वन भी लिख सकते हैं। इतनी टेंशन नहीं लेने का, बस इतना याद रखो चेंज बाद वाला माइनस पहले वाला अपॉन ओरिजिनल, यानी कि इनिशियल वैल्यू। सो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, ये आ गया फ्रैक्शनल चेंज पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी भी आ गया ना डिवाइड में, तो ये चीज बन गई मेरे पास फ्रैक्शनल चेंज जो अभी सिखाया था, डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो इसीलिए मैंने कहा इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। सो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। दो तीन बार बोलोगे तो याद हो जाएगी, और एक बार डेफिनेशन दिमाग में बैठ गई, और डेफिनेशन नहीं बैठी और फॉर्मूला बैठ गया, तो यहां से वर्डिंग्स जनरेट करके लिख सकते हो। अब देखो ऊपर रेजिस्टेंस की यूनिट ओम आएगी, नीचे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम आएगी, फ्रैक्शन है, सेम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ डेल्टा टी टेम्परेचर यानी पर डिग्री सेल्सियस अगर मैं देखूं, या फिर अगर मैं एसआई में लिखूं तो ज्यादा अच्छा है, 1/केल्विन। अल्फा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, यहां से एक क्वेश्चन भी बनता है।
अल्फा पॉजिटिव होता है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा अल्फा पॉजिटिव कब आएगा, जब आर टी बढ़ा हो, किससे, आर नॉट से, बाकी ये तो पॉजिटिव ही है, रेजिस्टेंस नेगेटिव है नहीं अपने पास यहाँ। तो आर टी अगर मेरे पास बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे तो अल्फा पॉजिटिव आएगा, तो इसीलिए अल्फा पॉजिटिव होता है कंडक्टर के लिए। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। एंड जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, क्योंकि हमने प्लेज में कर ली है बात सेमीकंडक्टर की, तो अब मैं बात कर पाऊंगा यहाँ सेमीकंडक्टर में, क्योंकि बहुत कम थे ना होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे, यानी कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो रहा था। तो अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर। और सबसे अच्छी चीज यहां से वो क्वेश्चन बनता है कि अल्फा इज जीरो फॉर अलॉयज, एंड दैट इज व्हाई वी प्रेफर अलॉयज टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बनाने के लिए हम अलॉय को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पर उनके रेजिस्टेंस में चेंजेस नहीं आते, और आते हैं तो बहुत कम आते हैं। तो मेरे पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, क्या क्रिस्टल क्लियर हो गया, अल्फा क्या होता है, यूनिट क्या होती है, और अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कब होता है। अब आते हैं उन सेक्शंस पर जो क्वेश्चन में एक मार्क के क्वेश्चंस हैं। फिर बोल रहा हूं हॉट्स का दिन है आज, हॉट्स का दिन है आज। फॉर कंडक्टर्स रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये हमने फॉर्मूला निकाला था ओम्स में, मुझे पता है तुमने प्लेलिस्ट चेक कर ली है। तो देखो गौर से, रेजिस्टिविटी टाउ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है, टाइम बिटवीन टू कोलिजन, तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, एंड इट इज नॉन लीनियर। इसीलिए इनिशियली कुछ रेजिस्टिविटी थी, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। अब आ जाते हैं हम सेमीकंडक्टर में, क्योंकि हमने देखा था रेजिस्टेंस कम होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड अलॉय के केस में मैंने कहा था कि कांस्टेंट रहता है, बट बहुत ही स्मॉल चेंजेस आते हैं, मैंने कहा था ना अप्रॉक्सीमेटली जीरो होता है, अप्रॉक्सीमेटली, इसीलिए ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन आता है, बट बहुत कम स्लोप का स्ट्रेट लाइन है, ऐसा बिल्कुल स्टीप मत बना देना, बहुत कम स्लोप का स्ट्रेट लाइन आता है। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलर कोडिंग। कलर कोडिंग इज बेसिकली क्यों की जाती है, तो कलर कोडिंग इज बेसिकली वी आर डूइंग कलर कोडिंग टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड द परसेंटेज एक्यूरेसी, कि उसकी वैल्यू में कितनी एक्यूरेसी है, कितना वेरिएशन हो सकता है। और क्यों करते हैं हम ये, क्योंकि भैया रेजिस्टेंस होते हैं इतने छोटे छोटे से, चावल के जो अपने राइस का दाना होता है ना एक छोटा सा, उसके बराबर एक साइज का होता है हमारा रजिस्टर। तो अगर राइस के दाने के बराबर एक रजिस्टर है तो कैसे लिखोगे 10 मेगा ओम, कैसे लिखोगे 10 गीगा ओम, इतनी बड़ी वैल्यूज कैसे लिखोगे, तो इसीलिए हमने कोडिंग कर ली। अब जैसे तुम लोग नहीं कर लेते, अपन क्या करते हैं कोडिंग, उसने कहा एमसीक्यू आए गलती से कहीं पे, और अपन साथ बैठे हुए हैं कहीं पे, और उसने कहा भाई पहले के लिए ए और बी और सी और डी, कौन सा क्वेश्चन, उसने कहा क्वेश्चन तो नंबर से बता दूंगा यार मैं, है ना, उसने कहा ए बी सी डी, कुछ भी कोड कर लेते हैं, टीचर को पता ही नहीं चल रहा। आज पता नहीं क्यों बार बार बच्चे कान बहुत खुजा रहे हैं, आज पता नहीं यार कंधा क्यों इतना दुख रहा है सबका, हाँ आज किसी को दाढ़ी खींचनी है अपनी, तो बहुत सारे कोड्स बन जाते हैं। ऐसे ही हमने भी कोड्स बना लिए रजिस्टर के, और उसमें हमने क्या करा, हमने कहा भाई हमारे पास हम कलर्ड बैंड्स बनाएंगे ए बी सी, और लास्ट वाला जो होगा वो हमें सिर्फ बताएगा कितना वेरिएशन हो सकता है। तो जो पहला बैंड होता है वो उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और वो बताता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जो दूसरा बैंड होता है वो बताता है सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, और इन दोनों से मुझे किस 10 की किस पार का मल्टीप्लाई करना है, तो थर्ड बैंड जो है वो सी बताता है मुझे पार ऑफ 10।
with which the above two significant figures are multiplied. और जो last वाला band है, ये बताता है हमें कितना variation हो सकता है जो आप market से purchase करके ला रहे हैं 100 और निकला 80, 20% variation, निकला 90, 10% variation, निकला 95, 5% variation, तो कितना variation हो सकता है? तो ये companies हमको बता देती हैं. चलिए, तो अब मैं याद कर लेता हूँ मेरा formula. Formula है A B into 10 to the power C. याद रखना, ये A into B नहीं है, ये A B है. मतलब A 1 हुआ, B 2 हुआ, तो 1 to 12 होगा. 1 into 2, 2 मत कर देना, गलत हो जाएगा. अब मुझे कैसे पता कि A B और C की क्या values हैं? तो मेरे पास है एक table. भाई टीचर ने क्लास में लिखी होगी ना ये टेबल, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट. यहां तक के तो हमारे पास कलर्स हो गए, जो जिनको हमने कोड दे दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. बट अगर मैं लास्ट पर आऊं, तो लास्ट वाला जो टॉलरेंस वाला बैंड है, जो वेरिएशन बताएगा, वो है सिल्वर. अगर वो सिल्वर कलर का हुआ तो प्लस माइनस 10%, अगर गोल्डन हुआ तो वो प्लस माइनस 5%, और अगर हुआ ही नहीं तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई, आप बहुत ही सस्ता वाला रजिस्टर खरीद के लाए हैं. 20% का वेरिएशन है, कुछ भी हो सकता है सर्किट को, है ना. तो अब आ जाते हैं हम कि इसको याद कैसे रखें. तो अपने पास कोड है इसका, क्या कोड है, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ. फिर से बी बी रॉय, सो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, बी बी रॉय खत्म. ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट का जी ग्रीन, ब्रिटेन का बी ब्लू, वेरी वॉयलेट, गुड ग्रे, वाइफ डब्लू वाइट. तो मेरे पास ये कोड भी जनरेट हो गया. तो मुझे अब ये भूलना नहीं है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ. जल्दी से पॉज करो और नोट कर लो. तो चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसी के साथ. और क्वेश्चन ये कहता है मुझसे कि उन्होंने हमको एक कलर बैंड दे दिया कि रेड, ऑरेंज, ग्रीन, और लास्ट वन इज गोल्ड. अब मुझसे कहा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ. तो हमने कहा ठीक है, रेड, रेड का क्या है कोड, 2. तो ए हो गया मेरे पास 2. देन ऑरेंज, ऑरेंज का कोड क्या है, 3. तो बी हो गया मेरे पास 3. देन मेरे पास क्या आता है, ग्रीन, ग्रीन का क्या कोड है, 5. तो मेरे पास आ गया 5. तो जैसे ये C5 आया, फॉर्मूला क्या है, ए बी यानी 2323 इंटू 10 टू दी पावर सी यानी 5, और गोल्ड है इसीलिए प्लस माइनस 5%. जल्दी से पॉज करके नोट करो. तो अब हमारे पास सब है, आपको प्लेलिस्ट में सारी चीजें लाइन से ऑर्डर से मिलती चली जाएंगी. अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी मिल जाएगा और सारे न्यूमेरिकल्स भी. बाहर जब आओगे आप मेन प्लेलिस्ट चेक करना, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतना ही. डे 14 होता है खत्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी होता है खत्म. अब सिर्फ 2 यूनिट्स हैं हमारे पास और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. इस वीडियो में इतना ही. जय हो.